स्वागत तो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज कंप्रेस्ड नो हीट बीइंग एडेड और रिमूव्ड इन प्रोसेस तो इस तरह के प्रोसेस को जिसमें कि कोई हीट ना एड हो ना बाहर जाए ना हीट सिस्टम के अंदर आ रहा हो तो उस तरह के सिस्टम को एडियाबेटिक प्रोसेस बोला जाता है तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे तुम देख रहे हो ये एक तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस में देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन टू सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम सो डेल्टा जीरो कीज वेल एज पी वी टू दावर गामा इज कॉन्स्टेंट पी वी टू दावर गामा इज कॉन्स्टेंट ओके नाउ आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन सो दैट इट्स वॉल्यूम इज हाफ यहाँ पर आइडियल मोनो एटोमिक गैस है तो तुमको पता होना चाहिए कि मोनो एटोमिक गैस के लिए जो गामा होगा दैट इज फाइव बाई थ्री अगर ये तुम नहीं जानते हो तो इसको लिख के रख लो ठीक है एक्चुअल में गामा का फॉर्मूला होता है सी पी अपॉन सी वी ठीक है सी पी अपॉन सी वी जिसमें कि सी वी होता है एफ आर बाई टू और सी पी होता है एफ बाई टू प्लस वन ठीक अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे सी पी बाई सी करेंगे अगर मान लो डिवाइड करेंगे तो सी पी बाई सी वी इक्वल टू जब ये आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ बचेगा एफ बाई टू प्लस वन और नीचे बचेगा एफ बाई टू और एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो जब मोनोएटॉमिक गैस लेते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री होता है सो थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू तो ये थ्री बाई टू प्लस वन हो जाएगा फाइव बाई टू अपॉन थ्री बाई टू तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा फाइव बाई थ्री तो इतना बार बार करना नहीं ये हम लोग को पहले से पता होना चाहिए तो गामा का वैल्यू अगर मोनोअटोमिक गैस रहेगा तो फाइव बाई थ्री लेते हैं ओके अब यहाँ पर मान लो हम इनिशियल कंडीशन की बात कर लेते हैं कि इनिशियली प्रेशर पी वन था वॉल्यूम वी वन था पावर में गामा इक्वल टू फाइनल प्रेशर पी टू हो गया वॉल्यूम वी टू हो गया पावर में गामा पी वी कॉन् पी वी टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट है ना तो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन को हमने यहाँ इक्वेट कर दिया इनिशियली अगर वॉल्यूम सपोज करो कि इनिशियली वॉल्यूम वी था तो फाइनली जो वॉल्यूम है वो हाफ हो जा रहा है ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि सो दैट इट्स वॉल्यूम इज़ हाफ तो V1 पहले वॉल्यूम V था फिर बाद में वही वॉल्यूम आधा हो गया V बाई टू हो गया द न्यू प्रेशर ऑफ द न्यू प्रेशर टू दी रेशियो बताना न्यू प्रेशर टू दी ओरिजिनल प्रेशर तो तुमको यहाँ पर P2 टू अपॉन पी का रेशियो बताना है न्यू प्रेशर टू दी इनिशियल या ओरिजिनल प्रेशर यहाँ पे हमको निकाल के बताना है तो अब इसके आगे अगर करेंगे तो ये हो जाएगा P2 टू बाई पी इक्वल टू वन बाई वी टू का पावर गामा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए वी वन का वैल्यू v है और वी टू का वैल्यू वी अपॉन टू है पावर में गामा ये टू ऊपर चला जाएगा वी कैंसिल हो जाएगा तो टू का पावर गामा मतलब कि पी टू बाई पी वन टू का पावर फाइव बाई थ्री तो ये हो गया रेशियो ऑफ पी टू अपॉन पी वन टू का पावर फाइव बाई थ्री इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था थैंक यू